Hello everyone, in this video we will study the second part of nature of matter. So let's start. Diffusion. What is diffusion? The property of mixing of particle of two materials on their own is called diffusion. देखो जब दो मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं. दिस हैपन ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल. वो मिक्स हो जाते हैं बिकॉज उनका जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं. गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट मोशन. गैस बहुत जल्दी ही डिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उसका पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो करता है. ठीक है. एक्टिविटी 7 देखो. प्लेस ए लाइटेड अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ अ लार्ज रूम. अगरबत्ती अगर हम एक बड़े से कमरे के एक कॉर्नर में लगाएंगे तो उसका जो फ्रेगनेंस है वो चारों ओर स्प्रेड हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अगरबत्ती का जो फ्यूम है वो एयर में डिफ्यूज़ कर जाता है. सो ये इससे पता चला कि गैस में डिफ्यूज़न होता है, बहुत जल्दी डिफ्यूज़ होता है. ठीक है. नेक्स्ट, लिक्विड डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली. लिक्विड थोड़ा स्लोली डिफ्यूज़ होता है. दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल इन अ लिक्विड आर नॉट सो फ्री टू मूव एज दे आर इन गैसेस. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स इतना फ्रीली मूवमेंट नहीं शो करते हैं जितना कि गैस करते हैं. ओके. एक्टिविटी 8 देखो. टेक सम क्लीन वाटर इन अ बीकर. एक बीकर में साफ पानी लेना है एंड उसमें कुछ ड्रॉप ऑफ ब्लू इंक डालना है. ठीक है. देन ऑब्जर्व करना, जो ब्लू इंक धीरे धीरे पानी में मिक्स हो जाएगा. ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाएगा. देखो पिक्चर में दिखाया गया है, इंक डाला गया एंड धीरे धीरे ये डिफ्यूज़ हो रहा है एंड लास्ट में कम्प्लीटली डिफ्यूज़ हो गया, है ना. सो इससे पता चला दैट लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है बट स्लोली होता है. ओके. नेक्स्ट, सॉलिड डू नॉट डिफ्यूज़ विद ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड टाइटली एंड कैन नॉट मूव फ्रीली. सॉलिड डिफ्यूज़ नहीं करते बिकॉज उनका पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड रहता है और वो फ्रीली मूवमेंट नहीं करते, वो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम सैंड और स्टोन को आपस में मिला दें तो क्या वो डिफ्यूज़ होगा? नहीं होगा, है ना. सॉलिड कैन हाउ एवर डिफ्यूज़ स्लोली इनटू लिक्विड, बट कुछ सॉलिड जो होते हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है, दैट्स वाई वो सॉलिड को डिफ्यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. एक्टिविटी 9 देखो. टेक सम क्लीन वाटर इन अ गैस जार. गैस जार में कुछ साफ पानी लेना है एंड उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना है. ठीक है. देन ऑब्जर्व करना, उसका जो कलर है वो स्लोली पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. देखो टेस्ट ट्यूब में दिखाया गया है ना, फर्स्ट में थोड़ा चेंज हुआ, देन सेकंड में और थोड़ा, थर्ड में और थोड़ा एंड लास्ट कम्प्लीटली उसका कलर पिंक हो गया. ओके. तो इससे पता चला सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़ होता है बट स्लोली होगा. ठीक है. Next, dissolution. When one substance mixes completely with another substance to give a clear solution, we say it has dissolved. जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ completely मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे dissolved. ठीक है. देखो इसका definition दिया गया है. The property by which a substance dissolves in another substance is called dissolution. Okay. Water can dissolve a large number of substances in it. पानी में बहुत सारे सब्सटेंस डिजॉल्व हो सकते हैं. Let us learn about the dissolution of solid, liquid and gases in water. So पहले पढ़ेंगे dissolution of solid in water. Some solid dissolve in water and some do not dissolve. कुछ solid dissolve होंगे and कुछ dissolve नहीं होंगे. Let us perform an activity to understand this. So activity देखते हैं. Okay. टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम हाफ विथ वाटर. तो 3 टेस्ट ट्यूब हमको लेना है एंड उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है. ठीक है. मार्क द टेस्ट ट्यूब 1 to 3 मार्क कर देना है. देन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमको सॉल्ट ऐड करना है, सेकंड में सैंड ऐड करना है, थर्ड में शुगर ऐड करना है, देन उसको हमको मिक्स कर देना है. ठीक है. देखना जो फर्स्ट एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो सब्सटेंस हम लिए थे, सॉल्ट एंड शुगर, वो सॉल्युबल हो जाएंगे. ठीक है. कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे. ओके. बट जो सेकेंड जो सैंड हम ऐड किए ये मिक्स नहीं होगा. सो सॉल्ट एंड शुगर को हम सॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे एंड सैंड को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलेंगे. इनसॉल्युबल क्यों? बिकॉज ये डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं. ओके. Solubility and saturated solution. Okay. The maximum amount of a substance that can be dissolved in a given volume of water is called solubility of that substance in water. मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लिए होंगे उसमें जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिक्स हो रहा है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. Let us perform the following activity to understand the meaning of the saturated solution. So saturated solution क्या है देखते हैं एक्टिविटी में. Take a glass tumbler half filled water. एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें हाफ़ वाटर फिल कर देना है। देन उसमें हाफ़ टी स्पून ऑफ शुगर ऐड करना है, ठीक है। उसको फिर मिक्स करना है। देन अगेन हाफ़ टी स्पून ऑफ शुगर ऐड करना है। ऐसे शुगर हाफ़ टी स्पून ऑफ शुगर ऐड करते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ शुगर और वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। वाटर में शुगर डिज़ोल्व नहीं होगा, उसी को ही हम जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है उसी को ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज़ बीन डिज़ोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो जितना अमाउंट ऑफ शुगर डिज़ोल्व होना था उतना हो गया, जो डिज़ोल्व हो गया उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा डालेंगे तो वो और सॉल्युबल नहीं होगा, सो इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक। द एबव एक्टिविटी कैन ऑल्सो भी परफॉर्म बाय एडिंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो इसको हम सॉल्ट ऐड करके भी कर सकते हैं। शुगर की जगह अगर हम सॉल्ट भी ऐड करें तो ये एक्टिविटी किया जा सकता है। द सॉल्यूशन ऑब्टेन इन द एबव एक्टिविटी कैनॉट डिजॉल्व मोर शुगर। सो इससे पता चला ज़्यादा शुगर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। सच ए सॉल्यूशन विच कैनॉट डिजॉल्व मोर अमाउंट ऑफ गिवन सब्सटेंस एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको ही हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट इज ऑन हीटिंग अ सॉल्यूशन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस जनरली इंक्रीज। बट देखो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये सॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। दिस मीन इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इफ वाटर इज हीटेड। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी अगर हम डाल रहे हैं वाटर में तो वो डिजॉल्व होगा, ओके। एक्टिविटी 12 देखते हैं। टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू सेपरेट ग्लास। दो सेपरेट ग्लास लेना है, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फिल करना है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल करना है। देन एक टम्बलर को हमको हीट करना है एंड एक टम्बलर को हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखना है। नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन टू टम्बलर। इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर दो टम्बलर में डालना है, देन उसको मिक्स करना है। देन अगेन वही प्रोसेस, शुगर डालते जाएंगे जब तक शुगर डिज़ोल्व होना बंद ना कर दे, ठीक है। देखना इससे क्या होगा, जो टम्बलर को हम हीट कर रहे हैं वो डिज़ोल्व होता जाएगा, ठीक है। उसमें शुगर डिज़ोल्व होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो सब्सटेंस डिज़ोल्व भी हो रहा है, ठीक है। जो टम्बलर हम रूम टेम्परेचर में रखे हैं वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होगा शुगर, बट जो टम्बलर हम हीट कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं वो डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। दिस सो दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर जनरली इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी डिजॉल्व हो सकता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो, ओके। सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली, थैंक यू।